का। शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। नाज़रीन, आज़ादी के बाद के हिंदुस्तानी थिएटर के बुनियाद गुजारों में से एक नाम है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का नाम आते ही नया थिएटर का नाम फौरन ज़हन में आता है, गोया दोनों लाजिम व मलजूम हैं। हबीब अहमद ख़ान 1 सितंबर 1923 को रायपुर मध्य प्रदेश में हाफिज़ मोहम्मद हयात के घर पैदा हुए। आर्ट, कल्चर और मौसीकी से उनको दिली लगाव था। वो बचपन में ही चोरी छिपे नाटक देखने जाया करते थे। अदाकारी की बुनियादी तालीम उन्हें म्यूनिसिपल हाई स्कूल के उन असातिज़ा से मिली जिन्होंने खुद अदाकारी की कोई तालीम नहीं ली थी। हबीब अहमद ख़ान की उम्र उस वक्त बमुश्किल 11 या 12 साल की थी जब शेक्सपियर के ड्रामे में किंग जॉन में अदाकारी करने के लिए स्टेज पर आए। उस छोटे से किरदार में हबीब तनवीर ने वो तासुर पैदा किया कि उन्हें स्कूल का ठाकुर प्यारेलाल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े ड्रामे में भी हिस्सा लिया, वो ड्रामा भी स्कूल के किसी जलसे के लिए तैयार किया गया था। रायपुर की ज़मीन ने हबीब तनवीर को जो कुछ दिया उसे कलेजे से चिपका कर वो नागपुर गए। 1944 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और 1945 में बंबई का रुख किया। बंबई में उन दिनों इप्टा की सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी थी। हबीब तनवीर भी इप्टा से जुड़े तो उसी के होके रह गए। इप्टा के लिए ड्रामे लिखे, गीत लिखे, तराजिम किए, अदाकारी की और कई ड्रामों के हिदायतकार भी रहे। अगर यूं कहा जाए कि ड्रामे और थिएटर से उनकी दिलचस्पी को इप्टा से जिला और तहरीक मिली तो गलत ना होगा। इप्टा के लिए ही हबीब तनवीर ने अपना पहला ड्रामा शांति दूत कामगार सन 1948 में लिखा। इस आधे घंटे के नुक्कड़ नाटक को पहले उन्होंने बंबई के सनती इलाके परेल में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के सामने पेश किया। पहले बॉम्बे में थे, बॉम्बे में भी शो करते थे, यहाँ नाटक करते थे। उसके बाद यहाँ इप्टा के साथ थे उस वक्त, तो उसके बाद वो लंदन चले गए। वहाँ उनको एक स्कॉलरशिप मिला था तो वहाँ जाके ट्रेनिंग ली। उसके बाद वापस आए, जब वापस आए तो 58 में तो हिंदुस्तानी थिएटर में वापस आए उस वक्त, और उन लोगों ने एक साल उन काम किया। उसके बाद उसको छोड़ के फिर उन्होंने खुद एक नया थिएटर करके एक संस्था उन्होंने खोला जहाँ ट्राइबल्स को उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया, ट्राइबल एक्टर्स को, छत्तीसगढ़ से जो है। उन्होंने कृष्ण चंद्र का ड्रामा मेरा गाँव और झाड़ू सन 1949 में तैयार करके पेश किया। इसके अलावा उन्होंने अपना दूसरा ड्रामा प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी को ड्रामे की शक्ल में अपनी हिदायत में पेश किया। अच्छा ये बताओ, यहाँ अभी कौन गा रहा था, किसकी आवाज थी वो? बंदा दरगाह जर्रा नवाज। बस मस्जिदों में भी लोग गाया करते हैं। कहाँ से आए हो तुम? फैजाबाद का रहने वाला हूँ।
मुद्दत से रुदौली रह रहा था। यहाँ क्या कर रहे? रुदौली में ही क्या करता, बस अब यहाँ आ गया हूँ, यहीं पड़ा रहता हूँ। केस कदर खतरनाक वीराना है, एक से एक बढ़कर गहरी अजहा जानवर यहाँ पाया जाता है। लखनऊ में क्या करते हो? कुछ नहीं करता, सैयद अमीर अली शाह की दरगाह है, उन्हीं की निगहदाश्त करता था। कौन सैयद अमीर अली? सैयद अमीर अली शहीद? जी हाँ हुजूर। सैयद अमीर अली मुजाहिद? जी हाँ हुजूर, जिन्होंने फैजाबाद में जहाद शुरू किया। मस्जिद बाबरी मुनहदम हो जाने के बाद उन्हीं की दरगाह का मुजाविर हूँ। वल्ला मनो खाक फेफड़े में उतार दी। बता बख्शो हुजूर। मिर्जा बिसात बिछाते चले। बिठाई। कैसा जमाना आ गया है, आज खाना खाना है खुदा पर हमला होता है और कल तक हमारी हुकूमत की सबके दिनों पे धाक थी। बिल्कुल मियां, आए अब बिसात जमाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये फिरंगी ठीक कहता है कि जो फसादात की जड़ हैं ये अंग्रेजों ने ही लगाए हैं। मुगल सल्तनत से लेकर आज तक की तारीख में कहीं पर भी हिंदू मुसलमान फसाद ना हुए, और अंग्रेजी हुकूमत के एक साल के अंदर जहां देखो वहां सर फटोल हो ना हो, ये मर्दूत सही कहता है। तो आपके कॉल के मुताबिक जिहाद किनके खिलाफ होना चाहिए, हिंदुओं के खिलाफ के फिरंगियों के खिलाफ? अब ये मसला पेचीदा है, किसी मुस्तनद मौलवी से फतवा लेना पड़ेगा। अब आपके मुताबिक सैयद अमीर अली शहीद मुस्तनद मौलवी ना थे? मैं ये कब कहता हूँ, पर उन्हें भी क्या मालूम था कि फिरंगी फितने की जड़ होंगे। गोया फिरंगियों की लगाई हुई आग थी, मस्जिद तक खुदवा के रखती। बढ़ गई खुदने से शान लखनऊ, ला मकान है इन दिनों हर मकान लखनऊ। चले बस बस, इन फिरंगियों को मस्जिद मिसमार कराने के सिवा दुनिया में और दूसरा कोई काम ही नहीं था। न जाने ऐसा क्या क्यों हो गया हुजूर, फितने की जड़ फिरंगी ही थे। किसी बदमाश की उड़ाई हुई रिवायत है। आपकी बात कैसे गलत हो सकती है? भंग पीते हो? चेहरे मुबारक से तो यही मालूम होता है कि अच्छे खासे चांडूबाज हैं। बता दो, अफीम खाते हो? कभी कभी नशा कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि नशा एक ऐसी अय्याशी है जो सिर्फ रईस कर सकते हैं। भाई आजकल लखनऊ में कौन इस अय्याशी से महरूम है? बिल्कुल, गोया इल्म होता तो मैं यहाँ होता। प्यारे प्यारे इतनी अर्ज मोरी मान, प्यार प्यारे प्यारे। ये ड्रामा हबीब तनवीर को काफी अरसे तक अजीज रहा और बारहा इसको असर नौ स्टेज करते रहे, और हर शो में उन्होंने अदाकारी भी की जिसका चर्चा चार जानिब रहा और लोगों ने दादो तहसीन से नवाजा। हबीब साहब का ये स्पिरिट था जिसे मैं बेहद एडमायर करता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था NSD में, तो एक आगरा बाजार नाम का, क्योंकि एक नाटक अलीगढ़ में हुआ था, तो मैं देखने चला गया। मुझे मालूम भी नहीं था हबीब तनवीर साहब हैं कौन, और मैंने देखा 6-7 लोग बैठे हुए थे आईफैक्स थिएटर में, जो अब बंद हो गया है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। 6-7 लोग थे और हबीब साहब आए। भाई भाई वो पीछे बैठे हो, जरा सामने आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हम सबसे कहने लगे, क्योंकि हमने सबसे सस्ते सीट खरीदे थे। और वो बैठ के मैंने देखा, मैं दंग रह गया कि यार इतना अच्छा नाटक और कोई देखने नहीं आ रहा। हबीब साहब करते रहे, तो उन्हें फल कुछ नहीं मिला मरते दम तक। वो जहाँ भी हैं वो देख रहे होंगे, उन्हें फल मिलेगा 100 साल के बाद।
हबीब साहब की कोशिशें रंग लाएंगी 100 साल के बाद। 1954 में हबीब अहमद खां बम्बई को खैरबाद कहकर दिल्ली चले आए और अपने दोस्त अतहर परवेज की ईमा पर नज़ीर अकबराबादी के हवाले से 15-20 मिनट का एक ड्रामा आगरा बाजार लिखा, जो नज़ीर अकबराबादी की शख्सियत और शायरी के अलावा पूरे माशरे को पेश करता था। ये ड्रामा जामे मिलिया इस्लामिया में पेश किया गया, जिसे बाद में हबीब तनवीर ने असरे नौ 2 घंटे के फुल लेंथ प्ले में तब्दील कर दिया। यही वो ज़माना है जब हबीब तनवीर ने बेगम कुदसिया जैदी की गुजारिश पर हिंदुस्तानी थिएटर में शमूलियत अख्तियार की और उसके लिए मुसलसल कामयाब ड्रामों की हिदायत की। 1954 में हबीब तनवीर ने थिएटर की आला तालीम के इरादे से लंदन का सफ़र किया और लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया। उन्हें ब्रिटिश काउंसिल ने स्कॉलरशिप दी। आप रॉयल एकेडमी की तालीम को अधूरी छोड़कर यूरोप की सैर पर निकल पड़े, ठहर ठहर कर भांत भांत के नाटक देखे, नई नई तकनीकें देखीं और समझी। इसके अलावा हबीब तनवीर ने इंग्लैंड के दूसरे इदारों मसलन द ब्रिटिश ड्रामा लीग और ब्रिटिश एडविक में भी तरबियत हासिल की और अपने साथ नए नए तजुर्बात लेकर 1958 में दिल्ली लौट आए। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार में न सिर्फ ड्रामे में तजुर्बा किया बल्कि इसको पेश भी नए ढंग से किया, जो रिवायती अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। थिएटर के नुक्ते नजर से ये ड्रामा निहायत कामयाब ड्रामा है। इसी पर तो कहा है हजरत नदीर ने, दिल सा दुरे यतीम बिका कौड़ियों के मोल, दिल सा दुरे यतीम बिका कौड़ियों के मोल, क्या कीजिए खैर ये भी खरीदार के नहीं। अच्छा लो कुछ अपनी आवाज से सुनाओ। आप फरमाइए क्या सुनाओ। हमारा वही नहीं सुनाओ, तैराकी वाली आवाज क्या। मिसाल के तौर पर उनका जो मार्कतुल आरा काम है वो है आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की कहानी है। नज़ीर अकबर आबादी कई सौ साल पहले कब आए कब गए किसी को याद नहीं, लेकिन ये कि वो हिंदुस्तान का पहला अवामी शायर था और उसके ऊपर उन्होंने जिस तरीके से लिखा है कि उसमें नज़ीर पूरे प्ले में जो तकरीबन 3 घंटे का है वो स्टेज के ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन उनकी नज़में और उनकी बातें जो हैं वो दोहरा दोहरा के वो पूरा एक मंजरनामा न सिर्फ ये कि तैयार करते हैं बल्कि पूरी शख्सियत जो है आपके सामने ला के खड़ा कर देते हैं। तो ये भी एक तरीक़े का फोक थिएटर ही है। उसमें उन्होंने गाने को इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने जो दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें थीं उनसे उन्होंने अपने आप को अलहदा करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर हबीब साहब का कहना यह था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्दा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी लाइटें होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेज होना चाहिए, एक्टर होने चाहिए, नाटक होना चाहिए और बस इस और देखने वाली ऑडियंस होनी चाहिए। नज़ीर के दौर का इफ़लास, बेरोज़गारी, ज़िंदगी से फरार और नज़ीर की आवाम में गैर मामूली मकबूलियत को बड़ी कामयाबी से पेश किया गया। हबीब तनवीर में ड्रामे और स्टेज की गैर मामूली सलाहियतें हैं। उन्होंने संस्कृत के क्लासिकी ड्रामों, लोक नाटकों और यूरोप के जदीद ड्रामे का गहराई से मुताला किया है। ड्रामा आगरा बाजार नज़ीर की नज्म शहर आशोब से शुरू होता है और इख्तिताम आदमी नामा है। इस ड्रामे में नज़ीर की तकरीबन 23 नज़मों के बंद शामिल हैं। हबीब साहब के
करियर में। आगरा बाज़ार पहला ऐसा ड्रामा था जो संगे मील माना जाता है। उसके बाद और ड्रामे आए, फिर दूसरा संगे मील वो चरणदास चोर को मानते थे सन 75 में। सन 73 में गांव का नाम ससुराल मोर नाव दामाद, वो एक संगे मील था दूसरा। तीसरा था चरणदास चोर सन 75 में। उसके बाद फिर बहुत सारे ड्रामे हुए। तो आगरा बाज़ार पहला फुल फ्लेजेड ड्रामा था उर्दू में। और उर्दू में असल में एक सेंटेनरी हो रही थी नज़ीर अकबराबादी, जो शायर हैं आगरा के उन पे, वो 18वीं सदी के हैं, तो उन पे कुछ प्रोग्राम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे मेरे ख्याल से तब सन 54 में, तो उन्होंने कहा कि हबीब साहब आप नज़ीर पे कुछ करिए। तो फिर उन्होंने जाके दिल्ली के जितने वो जहाँ घोड़े के सैडल्स बनते हैं बैठने की, वो उनके पास गए हबीब साहब, और उनसे एक एक कारीगर से वहाँ की दिल्ली की उर्दू सुनी, क्या क्या उसके सब हिस्सों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ज़बान। तो दिल्ली की उर्दू ज़बान जो दिल्ली में बोली जाती थी, तो वो उर्दू ज़बान में उन्होंने लिखा, और एक इतनी बड़ी वॉल्यूम थी किताब की, उसको याददाश्त में रखा और जाके जो भी नोट उनको करना था वो नोट्स बनाए, उस नोट्स के बिना पे उन्होंने ड्रामा स्क्रिप्ट तैयार किया। ठीक वहीं आम आदमी से रूबरू होके ये किया। तो ये हिस्ट्री है आगरा बाजार की। 1958 में हबीब तनवीर ने दिल्ली लौटने के बाद हिंदुस्तानी थिएटर के लिए 1958 में ही मिट्टी की गाड़ी अपनी हिदायत में पेश किया। इस ड्रामे में पहली बार हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ के 4 रक्स करने वाले लोक कलाकारों को शामिल किया। उनके इस काम को खूब सराहा गया। साथ ही छत्तीसगढ़ी कलाकारों की बुनियाद पर कुत्सिया जैदी से हबीब साहब के इख्तलाफात बढ़ते गए, और बिलाखिर 1959 में हबीब तनवीर ने मोनिका मिश्रा को साथ लेकर नया थिएटर की बुनियाद डाली। 1959 में ही नया थिएटर ने 7 पैसे पेश किया, जिसकी हिदायतकारी मोनिका मिश्रा ने की। जालीदार पर्दे, तंबाकू का नशा हबीब तनवीर ने नाजरीन के सामने पेश किया। 1960 में फांसी, जो अंग्रेजी यकबाबी ड्रामे पर मबनी था, की हिदायतकारी भी की। इसी साल उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए अपना ड्रामा मिर्ज़ा शोहरत बेग लिखा, और उसी साल नया थिएटर के लिए भी उसको दोहराया। साथ ही उर्दू के मकबूल व मारूफ ड्रामा निगार आगा हश्र कश्मीरी के उर्दू ड्रामा रुस्तम व सोहराब को नए तौर पर पेश किया। इत्तफाकी फतेह पर गुरूर न कर, हर नया दिन इंसान की जिंदगी में नया इंकलाब लेकर आता है। वक्त का पहिया हमेशा एक ही सिमत नहीं घूमता, घड़ी भर में बदलना होगा तुझको पेरहन अपना। मंगा कर पास रख ले जंग से पहले कफन अपना। हिम्मत बूढ़े, आज मैं तुझमें एक नया जोश और नई कुव्वत देख रहा हूँ। मुझे फिर शक होता है कि तू रुस्तम तो नहीं। मैं तेरी इज्जत का वास्ता और तेरी बहादुरी की दुहाई देकर फिर तेरा एक बार तुझसे नाम पूछता हूँ, मन्नत से नहीं, अजीजी से। तू मेरा नाम ही जानना चाहता है ना? हाँ, तो सुन। रुस्तम नहीं, सराब की मौत। अफसोस कि तूने रहम की कदर ना की। हबीब साहब ने ज़्यादातर फोक एलिमेंट को रखा था उनके नाटक में, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अर्बन एक्टर्स को लेके ट्राइबल एक्टर्स के साथ, तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था शुरू में, क्योंकि अर्बन एक्टर्स के सोफिस्टिकेशन, जबान सब अलग था, तो ट्राइबल एक्टर्स दो अलग ट्रेनिंग, उनके बैकग्राउंड ही अलग है, तो वो बना नहीं हो तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ
ट्राइबल से ही नाटक खेला जाए। तो उसके बाद उन्होंने बहुत से नाटक किए जिसमें सिर्फ ट्राइबल्स को यूज़ करके, वो एक लोक नाटक ही कह सकते हैं उसको, लोकप्रिय नाटक है वो सब, तो फोक थिएटर ही है, रियल फोक थिएटर। आर्टिफिशियल फोक थिएटर भी होता है क्योंकि शहरी लोग जो एक फोक प्ले करते हैं तो वो तो आर्टिफिशियल होता है, मगर उनका ऐसा नहीं था, वो जेन्युइन एक्चुअल ट्राइबल्स को लेके वो करते थे। सन 1964 में नया थिएटर को एक थिएटर कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया और सन 1972 से बाकायदा एक प्रोफेशनल कंपनी के तौर पर काम की शुरुआत की। सन 1962 में वज़ारत-ए-तालीम की जानिब से स्पॉन्सर किया हुआ ड्रामा द गुड वुमन ऑफ सेंट जुआ की हिदायतकारी की। इसी के साथ अंग्रेजी जुबान में हिंदुस्तानी और यूरोपी क्लासिकी ड्रामों की एक सीरीज शुरू की। सन 1964 में सेंट स्टीफन कॉलेज के तलबा के लिए मुद्रा राक्षस ड्रामे की हिदायतकारी की। आगरा बाजार के बाद खालिस उर्दू नाटक मेरे बात को गालिब सदी के मौके पर 1969 में हबीब तनवीर ने पेश किया। 1970 में आगरा बाजार बिल्कुल नए और दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया, तो उसमें छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को भी शामिल किया गया। 1972 में हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी कहानी पर मबनी अर्जुन का सारथी में पनवानी स्टाइल का तजुर्बा किया। 1973 में छत्तीसगढ़ी लोक कहानी पर मबनी गांव का नाम ससुराल मोर नाव दामाद लिखकर पेश किया और हिदायतकारी के साथ अदाकारी के फरायज भी अंजाम दिए। 1974 में उन्होंने राजा चंपा और चार भाई में एक नया तजुर्बा पेश किया। 1975 में अपना सदाबहार ड्रामा चरणदास चोर को एक वर्कशॉप में बेशुमार नाजरीन के सामने पेश किया। हबीब साहब को बतौर एक्टर भी शायद चरणदास चोर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें उन्होंने एक बहुत अहम किरदार निभाया था। तो उनकी एंट्री सिर्फ जो एंट्री लेने का एक सिपाही का कैरेक्टर था और सीटी बजाते हुए जिस तरह से वो एंट्री लेते थे, दर्शक सिर्फ उनकी एंट्री में ही ताली बजा दिया करते थे। तो किताब का मकसद ये होता है कि उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स अलग अलग अध्याय, तो एक उनका निर्देशकीय अध्याय भी हो सकता है और दूसरा अध्याय उनका बतौर कलाकार भी हो सकता है कि बतौर कलाकार भी उनने अपने आप में इतनी प्रतिभा थी कि हर चीज़ से हम उनके सीख ही सकते थे। मैं 75 में हबीब साहब से जुड़ा और 75 ही मेरी जीवन की स्थापना है, स्टार्टिंग है। मैं कहूँगा कि आज जो भी हूँ मैं हबीब साहब की बदौलत हूँ। मैं नाचा का एक्टर था जो गांव में खेला जाता है नाचा। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ ड्रामा क्या होता है, नाचा क्या होता है। समझने की सबसे बड़ी चीज़ है समझने की शक्ति दी मुझे उन्होंने, हबीब साहब ने। मुझे याद है चरणदास चोर में पहले आते ही मंत्री का रोल दिया, कुछ गलतियाँ होती, मैं नया था, समझने की मुझे क्षमता नहीं थी। मुझे एक बात बोला, तुमको पीस दूंगा रे, तुमको पीस दूंगा, तुम जिस तरीके कर रहे हैं वो मैं नहीं रहूँगा, वो रखूँगा ही नहीं, मैं पीसूँगा तुमको। और एक बार चलते जब चरणदास रिहर्सल चल रहा था, साउथ एवेन्यू की बात है, सब कुछ रिहर्सल होने के बाद भी एक गलती कर चुका मैं। स्टेज में तमाचा लेकर उठा था वो, मैं क्या बोला था, तुमको पीस दूंगा, पीसूँगा मैं। जून सन 1988 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए एक मर्तबा फिर सफदर हाशमी के एनिमीज से माखूज ड्रामा दुश्मन की हिदायतकारी की। सन 1993 में हबीब तनवीर ने कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम को पेश किया।
उनकी विरासत ने थिएटर को उनकी बेटी ने आज भी संभाल रखा है। कुछ बोझ आज भी वो उर्दू ड्रामे पेश करती है की तैयारी है। कल और किसी की बारी थी, अब आज हमारी बारी है। एक नींद का झोंका आता है, यानी बहते रे जाग लिए, अब रहिए बैठ एक जंगल में। हबीब तनवीर हिंदुस्तानी अदब के पहले फनकार हैं जिन्होंने समाज में अलग थलग पड़े हुए लोगों को लेकर अदब को आवाम से जोड़ने की कोशिश की। कबायली इलाकों में राइज कहानियों को आलमी अदब से रूशनास कराया। ये हबीब तनवीर की ही शख्सियत है जिन्होंने लोक कहानियों के साथ साथ लोक फनकारों, आम लोगों की निगाह में बदसूरत भद्दे गंवारों को न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि आलमी स्टेज पर पहचान दिलाई। नाज़रीन, आपने देखा कि हबीब तनवीर ने किस सतह पर अवाम के बीच जाकर अवाम की बात की। आज का उर्दू थिएटर का सफर यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।